दोस्तों जनरली मार्केट में एक नेल पॉलिश की कीमत 1000 या 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होता है, पर क्या आपको पता है कि एक नेल पॉलिश ऐसा भी है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। लक्स लेकर नाम की ये नेल पॉलिश $2,50,000 यानी कि करीब 2 करोड़ में बेची जाती है। और 2 करोड़ इसलिए क्योंकि जब आप इस नेल पॉलिश को लगाओगे तो आपके हाथ पे जो ये ग्लिटर्स दिखेगा ये कोई केमिकल या किसी इफेक्ट के चलते नहीं बल्कि रियल डायमंड्स के चलते होगा। इस नेल पॉलिश को लॉस एंजलिस में बेस्ड एक लग्जरी ज्वेलरी डिजाइनर है जिसका नाम है एजेटर एंड इसी ने इस नेल पॉलिश को लॉन्च किया था। दोस्तों क्या आप ये नेल पॉलिश खरीदना चाहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपने अपने लाइफ में कई सारे एयरपोर्ट्स देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसा एयरपोर्ट देखा है जो हाईवे से होकर गुजरता है? तो जर्मनी में एक लेप्ज़िंग एयरपोर्ट नाम का एयरपोर्ट है और इसका रनवे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पे मौजूद है क्योंकि इसका जो रनवे है वो एक हाईवे के ऊपर से गुजरता है, यानी कि नीचे रोड पे गाड़ियां चल रही होती है और उसी के ऊपर एक ब्रिज बना दिया गया है जिस पे से हर वक्त पैसेंजर प्लेन्स गुजरता रहता है। ये एयरपोर्ट जर्मनी का 14th largest एयरपोर्ट है जिसने सिर्फ साल 2019 में 26 लाख लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। गाइस क्या आप इस एयरपोर्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों दुनिया के 3 सबसे विचित्र और अनोखे अंडे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 3, हॉर्न शार्क एग। पूरी दुनिया में शार्क की 30% प्रजातियां अंडे देती है और इनकी सबसे विचित्र बात तो ये है कि ये अंडे किसी भी तरह से आम अंडों की तरह नहीं दिखते हैं क्योंकि ये अंडे स्पाइरल शेप के होते हैं। इसके अलावा इन अंडों का कवच भी काफी मजबूत होता है जो शार्क्स के गैर मौजूदगी में इनकी रक्षा करता है। नंबर 2, जिम्नोफियोना। ये जीव दिखने में किसी केचुए या सांप की जैसे दिखते हैं। इनके अंडे भी आम अंडों से काफी अलग होते हैं क्योंकि ये अंडे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं जिनके अंदर इनके बच्चों को साफ साफ देखा जा सकता है। नंबर 1, पैसिफिक व्हाइट स्केट। ये फिश अपने अलग से बॉडी शेप के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा इनके अंडे भी काफी यूनिक होते हैं। ये फिश अपने अंडे को एक अलग किस्म के पाउच में जन्म देती है। इन अंडों को देखकर ये कोई नहीं बता सकता कि ये किसी फिश के अंडे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों इंडिया में 1000 रुपए की इतनी वैल्यू है कि यहाँ पर 1000 रुपए में मुंबई टू दिल्ली किसी सेकंड सीटर ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो और दिल्ली में पहुंचकर आप रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और इंडिया गेट की साइट सीइंग करके सरोजनी नगर से शॉपिंग भी कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अमेरिका में 1000 रुपए में, जो कि $13.16 होता है, जिससे आप ज़्यादा कुछ नहीं बस एक मूवी के टिकट खरीद सकते हो और बचे खुचे पैसे से बस एक बर्गर इन्जॉय कर सकते हो। जहाँ पर यूक्रेन में 1000 रुपए में कपड़े तक नहीं खरीद सकते क्योंकि वहाँ पर एक जीन्स की कीमत 4000 और शर्ट की 3000 होती है, वहीं पर चाइना में महंगे से महंगे लग्जरी ब्रांड का डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको 1000 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि करोड़ों रुपए की चीज़ आपके घर में पड़ी हो और आपको उसकी भनक तक ना लगे कि वो चीज़ करोड़ों की है? कुछ ऐसा ही हुआ फिलीपींस के एक फिशरमैन के साथ जो एक दिन समुद्र में फिशिंग कर रहा था। फिशिंग करते वक्त उसके जाल में एक ऑब्जेक्ट फंस गया। उस मछुआरे ने उसे गुड लक मानकर अपने घर पर 10 साल तक रखा रहा। 10 साल से उसे अपने साथ रखने की वजह से वो मछुआरा इतना इमोशनली अटैच हो गया कि जब उसके घर में आग लगी तब उसने सब कुछ छोड़कर उसे बचाया। पर किस्मत तो तब पलटी जब उसे पता चला कि ये एक पर्ल है जिसकी कीमत $100 million यानी कि 700 करोड़ रुपए है। फिर क्या, मछुआरे ने खुशी खुशी इसको बेचा और रातों रात करोड़पति बन गया। फिलहाल ये पर्ल पोर्टो प्रिंसेसा टूरिज्म ऑफिस में मौजूद है। दोस्तों आप इस आदमी की किस्मत के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक सेकंड हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एवरी सेकंड इंटरनेट पर क्या क्या हो रहा है? हर एक सेकंड 34 लाख ईमेल भेजे जाते हैं। गूगल सर्चेज 68,542 टाइम्स होती है। फेसबुक पर 54,977 पोस्ट होता है। हर सेकंड 5,700 ट्वीट्स किए जाते हैं और 4,630 स्नैप्स भेजे जाते हैं। एवरी सेकंड इंस्टाग्राम पर 694 पोस्ट किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूट्यूब पर हर सेकंड 6 आवर्स जितने वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि शराब का नशा लोगों को आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है? सिसिलियन केव में 6000 ईयर ओल्ड वाइन डिस्कवर किया गया है और बीसीसी के आर्टिकल के हिसाब से जॉर्जिया में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाइन मिला है जो 8000 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 2, चाइना में एक गाँव है जहाँ पर एक खेत को क्यू आर कोड की तरह बनाया गया है। इसको बनाने के लिए टोटल 1,30,000 पेड़ लगाए गए हैं। इसको स्कैन करने पर उस गाँव का टूरिज्म का वेबसाइट ओपन हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, जापान और कई सारे एडवांस देश अब ऐसे न्यूज़पेपर बनाने लग रहे हैं कि पढ़ने के बाद अगर हम उसे फेंक दें तो उसमें से ऑटोमेटिकली पेड़ उगने लगता है। वैसे पेपर्स को प्लांटेबल पेपर्स कहा जाता है
और उस पेपर के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो पानी और मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आते ही उगने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर हम बस कुछ मिनटों के लिए अपना हाथ ऊपर करें तो हद से ज्यादा पेन होने लगता है, पर एक आदमी ऐसा भी है जो कई सालों से अपना हाथ ऊपर ही रखा है। अमरनाथ नाम का ये आदमी साल 1970s में एक आम जिंदगी जीता था, बैंक में नौकरी करता था और अपनी बीवी और तीन बच्चों के साथ आराम से रहता था। पर अचानक एक दिन उसे कुछ फील हुआ और उसने सब कुछ छोड़ के अपनी पूरी लाइफ भगवान शिव को डेडिकेट करने का ठान लिया और भगवान शिव के प्रति अपना फेथ एंड डिवोशन दिखाने के लिए साल 1973 में उसने अपना दायां हाथ ऊपर कर लिया। और उसका कहना है कि उसके बाद आज तक उसने अपना हाथ नीचे नहीं किया है। उसके हिसाब से पहले पहले उसे भी बहुत पेन होता था, पर वक्त के साथ उसे आदत पड़ गई। 2022 में इसे अपना हाथ ऊपर किए 49 साल हो चुके हैं और इसीलिए उसके हाथ की सेंस भी चली गई है। दोस्तों क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। दोस्तों ये कहानी पंजाब के दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी की है, जिसने 1996 में दिल्ली से लंदन जाने के लिए पूरे सिक्योरिटी कैमराज और गार्ड्स को चकमा देकर छुपके से प्लेन के टायर के पास बैठ गए। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया ये दोनों खुश हो गए, पर शायद इन्हें पता नहीं था कि जिस ऊंचाई पर ये उड़ने वाले हैं वहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर और ना के बराबर ऑक्सीजन होता है। फिर भी पता नहीं कैसे ये दोनों पार हो गए, पर जब प्लेन लैंड करने लगा तो एक भाई का हाथ छूट गया और उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका वहीं पर मौत हो गया, पर दूसरा भाई जिंदा बच गया। इस एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर से पूछा गया कि ये जिंदा कैसे है तो डॉक्टर्स का कहना था कि इतनी ठंड में होने की वजह से उसकी बॉडी सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई थी, यानी कि उसकी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो गई थी, जिससे कि इतने कम ऑक्सीजन में भी वो जिंदा रह पाया। दोस्तों आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आखिर क्यों एक आदमी बस एक लड़की के लिए 70 लोगों को मौत के घाट उतार देता है? तो ये घटना है साल 1886 की, जब पोर्चुगल में एक आदमी अपनी माँ के मरने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। उस वक्त वो अपनी रोजी रोटी के लिए एक होटल में काम करता था। एक दिन उस होटल में बेहद ही खूबसूरत और अमीर लड़की आती है, जिससे ये प्यार करने लगता है। पर जब इसे पता चलता है कि उसे पाने के लिए इसे भी अमीर बनना पड़ेगा, तो ये एक प्लान बनाता है और एक पुल पर जाता है और वहाँ से जितने व्यापारी गुजरते थे ये उसे लूट कर नदी में फेंक देता था और ऐसा दिखाता था कि उसने सुसाइड किया है। ये इतना बेरहम हो गया था कि इसने 6 महीने में 35 खून कर डाले। इसके बाद वो लड़की को भूलकर पैसे का लालची हो गया। 4 साल तक लूटपाट करने के बाद वो पकड़ा गया और उसे फांसी मिली। और एक साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए कि क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे काम करता है उसका सर काटकर अपने लैब पे ले आए और उस पर रिसर्च करने लगे। दोस्तों एक मर्द के सीने में दिल होता है, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि स्टैन लर्किन नाम का एक लड़का था और इसका दिल इसके सीने में नहीं बल्कि ये अपने हार्ट को अपने बैकपैक में लेकर घूमता था। क्या है कि हार्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है और इसीलिए जब स्टैन का ओरिजिनल हार्ट काम करना बंद कर दिया तो डॉक्टर्स ने ये आर्टिफिशियल हार्ट इसके बॉडी में लगा दिया और इसका नाम हार्ट डोनर्स के वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। ये आदमी 555 दिन तक एक आर्टिफिशियल हार्ट पे जिंदा रहा और फाइनली 1.5 साल बाद इसको एक हार्ट डोनर मिला और उसका सर्जरी कंप्लीट हुआ। स्टैन 1.5 साल तक हर वक्त अपने साथ ये बैग कैरी करता था। गाइस आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। वक्त पड़ने पर कुत्ता अपने मालिक के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। वहीं काफी इंसानों के लिए कुत्ता किसी परिवार से कम नहीं होता है। ऐसा ही एक खूबसूरत घटना मुंबई में देखने को मिला, जहां एक महिला ने एयर इंडिया में अपने कुत्ते के साथ सफर करने के लिए एयर इंडिया फ्लाइट के बिजनेस क्लास की सारी टिकट बुक कर डाली। दरअसल महिला को अपने कुत्ते के साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने 12 के 12 सीटें बुक कर डाली। दोस्तों बिजनेस क्लास की एक टिकट की कीमत 18 से 20 हजार रुपए होती है, यानी कि महिला ने इस सफर में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च किए। है ना इंटरेस्टिंग बात? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि रिसेंटली एप्पल कंपनी ने एक वाटर बॉटल लॉन्च किया है और इसकी कीमत 5,400 रुपए है, जो कि आम वाटर बॉटल से काफी महंगा है। पर इसमें कई खूबियां भी है, जैसे कि ये आपके वाटर इनटेक को इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करता है। आप दिन में कितना पानी पी रहे हो और आप अपने बॉडी के एज और ढांचे के हिसाब से पानी कम पी रहे हो या ज्यादा, इसको ये बॉटल मेजर करता है। ऐसी कई टेक्नोलॉजिकल चीजें इस बॉटल में होने के कारण इसका प्राइस इतना ज्यादा रख दिया गया है। जब इसका लॉन्च हुआ तो काफी सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और कहने लगे कि कोई 5,000 की बॉटल क्यों खरीदेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये बॉटल वर्थ इट है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।
दोस्तों क्या आपको पता है कि आजकल इंसान के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहा है? ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंसान के ब्लड से ऐसा कुछ मिला हो। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब ओवर पॉल्यूशन होने की वजह से हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, RRR मूवी में जो फ्लैग दिखाया गया है वो कोई फिक्शनल फ्लैग नहीं है, बल्कि इस फ्लैग को 7 अगस्त 1906 में पहली बार पारसी बगान चौक कैलकाटा में होस्ट किया गया था। उसके बाद इंडिया के फ्लैग में काफ़ी चेंजेज हुए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस पिक्चर में आप सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पहाड़ ओलंपस मॉन्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा, जबकि माउंट एवरेस्ट इसके सामने बच्चा लग रहा है। ये माउंट ओलंपस मॉन्स मार्स पर स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों किसी की लास्ट विश पूरी करने से ज़्यादा सुकून और किसी काम में नहीं मिलता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट जर्मनी में हुआ है, जहाँ एक 6 साल का बच्चा जो कैंसर के लास्ट स्टेज पे था, वो बाइक्स का बहुत बड़ा फैन था। और जब वहाँ के लोगों को ये पता चला तो लगभग 20,000 बाइकर्स वहाँ उस बच्चे को खुश करने पहुँच गए। दरअसल बच्चे की ये आखिरी ख्वाहिश सुनकर उनके परिवार वालों ने ट्विटर पे इसके बारे में पोस्ट कर दिया, और जहाँ वो बस 20-30 लोगों की उम्मीद कर रहे थे, वहीं पर 20,000 आए, जिन्होंने उस बच्चों के आखिरी पलों में उसे खुश कर गए। ऐसे ही लोगों को देखकर लगता है कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। दोस्तों ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में कछुए की एक फॉसल मिला जिसका साइज एक कार के बराबर था। कछुए की ये प्रजाति आज से 70 लाख साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। ये फॉसल एग्जैक्टली कोलंबिया के टाटाकोवा डेजर्ट में मिला है। दोस्तों साइंस ने एक बात नोटिस की है कि आज के मुकाबले किसी भी क्रिएचर का साइज पहले ज़्यादा हुआ करता था। जैसे कि पहले जो डायनासोर्स थे वो आज के किसी भी जीव के मुकाबले काफ़ी बड़े थे। इसी से रिलेटेड और एक फैक्ट ये है कि आपने बहुत सारे हिस्टोरिक साइट्स पे देखा होगा कि बड़े बड़े सीढ़ियाँ बने होते हैं, तो हिंदू स्कल्पचर्स के हिसाब से पहले के युग में आदमी का साइज भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो त्रेता युग था, यानी कि राम जी का युग, उस टाइम पे एवरेज इंसानों की हाइट 9 से 10 फीट हुआ करती थी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों दुनिया में हजारों तरह के काम मौजूद है, कोई नौकरी करता है तो कोई खाना बनाने का काम करता है, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना के एक गांव में कई वर्षों से फसल की जगह सांप की खेती की जाती है। यहाँ पूरे व्यवस्थित तरीके से सांप के अंडे को बोया जाता है। किंग कोबरा से लेकर अजगर तक यहाँ आपको सांप की सभी वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पैदा हुए सांपों को मार्केट में दवाइयाँ बनाने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों ये काम इतना रिस्की होने के बावजूद भी गाँव का हर दूसरा आदमी इस काम में लगा हुआ है, क्योंकि इनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों भगवान ने सभी इंसानों को एक सा शरीर दे रखा है, लेकिन कुछ बच्चे बाकियों से इतने अलग होते हैं कि उन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। दोस्तों ये है कंजॉइन ट्विंस। इन दोनों में से एक का नाम मोना सिंह और दूसरे का नाम सोना सिंह है। ये दोनों 19 साल के हैं। इनके पेट से ऊपर का भाग अलग अलग और नीचे का भाग एक है। दोस्तों कंजॉइन ट्विंस के जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो 1 से 2 हफ्ते में ही मर जाते हैं। ये अपनी तरह का इकलौता आदमी है। इसके पेरेंट्स के पास अच्छी सुविधा ना होने की वजह से इनकी परवरिश ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा फाउंडेशन में हुई है। ये दोनों फिलहाल पंजाब में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का काम करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपने टाइटैनिक जहाज का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं कि उसके ऊपर लगा चिमनी इतना बड़ा है कि उसमें से एक पूरी की पूरी ट्रेन निकल सकती है। और क्या आपको पता है कि इतना विशाल होने के बावजूद भी हम इंसानों को टाइटैनिक को सिर्फ ढूंढने में 75 साल लग गए। इस जहाज को एक अमेरिकी फोटोग्राफर ने करोड़ों रुपए खर्च करके साल 1985 में ढूंढ निकाला, पर आज भी इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद इंजीनियर्स इसे समुद्र से बाहर निकालने में नाकाम हैं। और निकाले भी कैसे? टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था और इसका वजन 1,43,000 टन था, जो कि इतने साल पानी में रहने की वजह से पूरा सड़ गया था। इसे समुद्र से बाहर निकालना चाय से बिस्किट निकालने के बराबर है, जो कि कितना भी कोशिश करो वो टूट जाता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको बाइक पसंद है? अगर नहीं तो एक बार इसे देखो। ये है BMW मोटरोड विजन नेक्स्ट 100। दोस्तों वैसे तो BMW का नाम ही काफ़ी है, क्योंकि इसका हर एक कॉन्सेप्ट काबिल तारीफ होता है। और इस बार इन्होंने एक ऐसा बाइक बनाया है जिसे आप कितना ही तेज चला ले आप गिरेंगे नहीं। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत सेल्फ बैलेंसिंग व्हील डिज़ाइन है, जो आपको 0 की स्पीड पर भी अपने आप खड़ा रखती है। इस बाइक को चलाने के लिए आपको हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं होती,
राइडर बस एक विजर यानी कि चश्मे जैसा कुछ पहनता है जो स्मार्ट डिस्प्ले की तरह काम करता है। इस बाइक की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है जो आपको हवा से बातें कराती है। इस बाइक की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है जो कि इसके डिज़ाइन के हिसाब से सही भी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों एक नॉर्मल फीमेल हाथी का वजन 3000 से 4000 किलोग्राम होता है और एक एवरेज लड़की का वेट 50 किलो के आसपास होता है। पर क्या आपको पता है कि अगर कोई लड़की हील्स पहन ले तो एक नॉर्मल हाथी के मुकाबले 18 से 20 गुना ज्यादा प्रेशर धरती पर पड़ता है। पर यह कैसे हो सकता है कि एक आम लड़की इतने वजनदार हाथी से ज्यादा प्रेशर लगाता हो? तो एक हील्स का सरफेस एरिया हाथी के पैरों के मुकाबले काफी छोटा होता है और हाथी के पैरों के साइज ज्यादा होने की वजह से उसका वेट उसके पैरों के अलग अलग हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर लड़कियों का सारा वेट सिर्फ हील्स में लगे उस डंडे पर पड़ता है जो काफी पतला होता है और सारा वेट सिर्फ उसी जगह पर पड़ रहा होता है। गाइस क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपने घास यानी कि ग्रास तो देखा ही होगा, बाहर से देखने पर उसमें कुछ खास बात नहीं दिखती, पर अगर हम उसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें जो कि ग्रास को हकीकत से 1000 गुना ज्यादा बड़ा दिखाता है, तो आपको वही ग्रास देखने में कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आपको ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो कि बिल्कुल अजीब और क्रिपी लगता है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये आपको एक हंसता हुआ इमोजी दिखेगा। नेचर ने सभी जीवों को किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जोड़ कर रखा है, इसका इससे बड़ा एग्जांपल और क्या मिलेगा? दोस्तों क्या आपको ये बात पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर ऐप इसी कंपनी के अंडर में आता है। पर क्या आपको पता है कि 4 फरवरी 2022 को एक ही दिन में मेटा को $236 बिलियन यानी कि 18.33 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। ये लॉस इतना बड़ा था कि TCS और मैकडॉनल्ड जैसी बड़ी कंपनियों की नेटवर्थ इतनी नहीं है। इनफैक्ट इतना बड़ा लॉस अमेरिकन स्टॉक मार्केट के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। जब मेटा के ओनर मार्क जुकरबर्ग से ये पूछा गया कि इतने बड़े लॉस का वजह क्या है, तो उन्होंने टिकटॉक और एप्पल पे इल्जाम लगाया क्योंकि टिकटॉक डे बाय डे फेसबुक के ऑडियंस ले रहा है और हाल ही में फेसबुक को फिर से $10 बिलियन का लॉस हुआ था क्योंकि एप्पल ने अपने कुछ पॉलिसीज चेंज कर दिए थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, इतने लॉसेस होने के बावजूद मेटा चल पाएगा या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और इसी बात को साबित करती है सिकरवीर सिंह और निधि सिंह नाम के ये कपल जिसने समोसे बेचकर 600 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। दरअसल कॉलेज में शिखर ने यह नोटिस किया कि अक्सर उसके दोस्त इंडियन चाट्स जैसे कि समोसा खाने के लिए ठेले वाले के पास ही जाते थे और इसी से उसे एक स्टार्टअप का आइडिया मिला। जब उसने इस पे रिसर्च किया तो उसे पता चला कि इंडिया में हर रोज 600 लाख समोसे बेचे जाते हैं। उसने फिर जल्द से जल्द अपनी वाइफ निधि सिंह को मनाया और 2016 में समोसा सिंह नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया। अपने समोसे को यूनिक बनाने के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर और डिजाइन के समोसे बेचने शुरू किए। इन्होंने 2017 में 5 करोड़ और 2018 में 8 करोड़ सिर्फ समोसे बेचकर कमाए थे और रिसेंटली 2020 में काफी इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने मिलकर समोसा सिंह में $2.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों आप इस कपल और इसके स्टार्टअप के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक इंसानी शरीर क्या क्या कर सकता है ये वो खुद भी नहीं जानता। ऐसा ही एक घटना साउथ कोरिया में 2012 में देखने को मिला जब चोई ग्याप बॉक नाम के एक आदमी को रॉबरी के सस्पिशन में अरेस्ट कर लिया। ये आदमी 20 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहा था और ये एक मास्टर था। शायद इसीलिए इसका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल था कि ये फूड ट्रे एरिया यानी कि जहाँ से कैदियों को खाना दिया जाता है वहाँ से सिर्फ 34 सेकंड में भाग गए। इसकी हाइट करीब 5'4" थी और ये उस स्लॉट से बाहर आ गए जो सिर्फ 5.9 inches टॉल और 17.7 inches वाइड था। इस आदमी को पकड़ने के लिए 400 पुलिस वालों को मैन हंट शुरू करना पड़ा और जब ये पकड़ा गया तो ये एक घर के रूफ टॉप पे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में बैठे हुए थे। इस आदमी को देखकर पता चलता है कि एक इंसान की बॉडी की कोई लिमिट नहीं होती, हम इसे जितना चाहे उतना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों साल 2016 में दीपावली के वक्त इंटरनेट पर एक फेक फोटो जिसमें दिखाया गया था कि स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है वो काफी वायरल हो रहा था, पर जब लोगों को पता चला कि वो फोटो फेक है तो मायूस हो गए और नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज को खत लिखने लगे कि असल में इंडिया दीपावली के वक्त स्पेस से कैसा दिखता है। इसका जवाब हमें मिला इटालियन एस्ट्रोनॉमर पाओलो नेस्पोली से जिसने 2017 के दीपावली में इंडिया के नाइट लाइफ की फोटोज अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया जो उसने ISS से खींचा था। ये फोटो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वालों का भी दिल खुश हो गया और इंडिया के लिए जो उसका प्यार है वो और बढ़ गया। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।
दोस्तों इंडिया में स्ट्रीट फूड्स को लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस क्लिप्स दिखाऊंगा कि आप अगली बार इन्हें खरीदने से पहले सावधान जरूर हो जाएंगे। नंबर वन, दोस्तों जरा इस सब्जी बेचने वाले को देखिए, ये अपनी सब्जी को धोने के लिए कैसे गटर के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि इसे खाने वाले का क्या हाल होगा। नंबर टू, इंडिया में स्ट्रीट फूड्स के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पानी पूरी है, और इस आदमी को देखो जो बिना किसी शर्म के इसमें यूरिन मिला रहा है। हालांकि अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसका कारोबार भी बंद कर दिया है। नंबर थ्री, दोस्तों ये वीडियो क्लिप एक होटल से ली गई है जहां एक लड़का देखिए किस तरह से आटा गूंद रहा है, और आप खुद ही सोचिए कि इसे खाने वाले का क्या हाल हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि जॉनी कुलम नाम के इस आदमी को अनलिफ्टेबल मैन कहा जाता है। इस दुनिया में कई सारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो अपने से डबल वेट को भी आसानी से उठा लेते हैं, पर फिर भी वो जॉनी कुलम को नहीं उठा पाते हैं। दरअसल जॉनी के पास एक ऐसा टेक्निक था जिससे वो अपने उठाने वाले की गर्दन पे ऐसी जगह दबा देता था कि कोई उसे उठा नहीं पाता था। जरा इस पिक्चर को देखिए, इसने अपनी बॉडी को ऐसे लॉक कर लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर मोहम्मद अली भी 76 ईयर ओल्ड जॉनी कुलम को नहीं उठा पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉनी खुद भी साल 1910 से 1914 तक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। दोस्तों आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि किडनीज ट्रांसप्लांट के दौरान किडनीज को निकालते नहीं है, बल्कि तीसरी किडनी को आपके पेट के निचले हिस्से में लगा देते हैं, और इसके पीछे तीन रीज़न है। पहला, किडनी निकालना एक मेजर ऑपरेशन है जिससे रिकवर होने के लिए पेशेंट को 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। दूसरा, किडनी निकालने के लिए पेशेंट को सबसे पहले डायलिसिस पर डालना पड़ता है ताकि जब किडनी काम ना करे तो आर्टिफिशियली ब्लड से वेस्ट निकाला जा सके। और तीसरा रीज़न ये है, किडनी निकालते वक्त काफ़ी ब्लड लॉस होता है और पेशेंट को ब्लड की बॉटल चढ़ानी पड़ती है जिससे काफ़ी टाइम और पैसा लगता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, पर कुछ लोग इतने किस्मत वाले होते हैं कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे कि ये आदमी जो दीवार खींच रहा था, पर जैसे ही उसने वहाँ से अपना पैर हटाया वहाँ की ज़मीन धंस गई, जैसे कि वो उसके जाने का ही इंतज़ार कर रहा था। अब जरा इसे देखिए, क्या किस्मत है कार वाले की, कैसे पेड़ों और ट्रैफिक लाइट के गिरने के बावजूद भी कार को कुछ नहीं हुआ। और अब जरा इन दोनों को भी देख लीजिए, जो कि अगर जरा से लेट हो जाते तो पता नहीं इनके साथ क्या होता। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों ये घटना 20 नवंबर 2021 की है, जब अमेरिका के सैन डियागो नामक शहर में अमेरिकन डॉलर से भरा ट्रक एक बैंक की तरफ जा रहा था। तभी अचानक टेक्निकल खराबी आने के कारण ट्रक का पिछला दरवाज़ा खुल गया, और देखते ही देखते सारा पैसा पेड़ के पत्तों की तरह उड़ने लगा। सड़क पर इतना सारा पैसा देखते ही आसपास के लोगों ने पैसा बटोरना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग पैसा लेकर भागने में कामयाब हो गए, और कुछ लोगों को कैलिफोर्निया हाईवे पुलिस ने ऑन द स्पॉट पकड़ लिया। पर इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और FBI ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जो भी पैसा लेकर भागा है वो 48 घंटे के अंदर पैसा जमा करा दे, वरना उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि समुद्र कितना गहरा है और कितनी गहराई पर हमें क्या क्या देखने मिलता है? तो समुद्र की सतह से 40 मीटर पे आपको स्कूबा डाइवर्स और अन्य आम मछलियां मिल जाएंगी। ये जीव इससे नीचे नहीं जाते हैं। इससे नीचे 500 मीटर तक आपको ब्लू व्हेल्स दिखेंगे। अगर और थोड़ा नीचे जाए तो 700 से 750 मीटर पे आपको बड़े बड़े देशों के न्यूक्लियर सबमरीन्स देखने को मिलेंगे। इससे नीचे 1000 मीटर की गहराई को स्केरी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें भी इससे नीचे नहीं पहुंच पाती है। इससे और नीचे 2000 से 2200 मीटर की गहराई में जाए तो वहाँ पर स्पर्म व्हेल्स और एंगलर फिश जैसे जीव देखने को मिलेंगे। इससे और नीचे आपको दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच देखने को मिलेगी, जिसकी गहराई 8000 मीटर है, और इसी खाई में एक गहराई की जगह 10984 मीटर है, जिसे हम पैसेंजर डीप के नाम से जानते हैं, और ये इंसानों के द्वारा खोजा गया सबसे गहरा जगह है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि आपका ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच आपका नींद खुल जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ऐसा ही एक घटना पोलैंड में रहने वाली इगा जेसिका के साथ हुआ। ये लड़की मात्र 19 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर का कहना था कि इसके पास सर्जरी कराने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही देर बाद ये लड़की होश में आ गई और उसने डॉक्टर से पूछा कि मेरा ऑपरेशन कैसा चल रहा है। डॉक्टर भी ये देखकर चौंक गया कि एक तरफ इस लड़की का ब्रेन खुला पड़ा है और फिर भी ये
डॉक्टर की बात कर पा रही है। डॉक्टर के मुताबिक इसे जो बेहोशी वाली दवा दी गई थी उसका असर खत्म हो गया था, इसीलिए ये लड़की होश में आ गई थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था और ऑपरेशन खत्म होने तक वो होश में ही रही। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों साल 1992 में पेप्सी कंपनी ने फिलीपींस में एक ऑफर लॉन्च किया था जिसमें कहा गया था कि जिस जिसके बॉटल की कैप पे नंबर 349 प्रिंटेड होगा उसको $40,000 यानी कि 30 लाख रुपए का ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। नॉर्मली ऐसे लॉटरी सिस्टम में लाखों बॉटल में कुछ 100-200 बोतलों में ये प्राइज रखा जाता है, पर कुछ कंप्यूटर एरर्स की वजह से पेप्सी ने गलती से 8 लाख बोतलों में ये नंबर प्रिंट कर दिया। जब ये बात कंपनी के ओनर्स को पता चला तो सुबह के 3 बजे एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और डिसाइड हुआ कि इतना पैसा तो देना मुमकिन नहीं है, पर जिसको भी ये नंबर मिला है वो हमारे पास आ जाए उन्हें $18 मिलेंगे। इस गलती की वजह से इतनी अफरा तफरी मच गई कि 5 लोगों की मौत भी हो गई। इस इंसिडेंट को आज के दिन पेप्सी नंबर फीवर कहा जाता है। गाइस क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जहाँ पर नॉर्मल चंदन की लकड़ी की कीमत 6,000 पर किलोग्राम होता है, वहीं लाल चंदन की कीमत 60,000 से 80,000 रुपये पर किलोग्राम होता है, क्योंकि नॉर्मल चंदन सिर्फ 10 से 12 साल में पक जाता है लेकिन लाल चंदन को पकने में 30 से 35 साल लगता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में जितने भी बीचेज हैं हर जगह नॉर्मल सैंड पाया जाता है लेकिन स्पेन में एक ऐसा बीच है जहाँ के सैंड पॉपकॉर्न की तरह दिखता है। अब ये पता नहीं क्यों पर ऐसा ही है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों शार्क्स की प्रजाति 450 मिलियन सालों से पृथ्वी पर रह रही है। शार्क्स के इतने सालों तक टिके रहने की वजह इसका DNA रिपेयर करने की एबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे अमीर आदमी कौन था और उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? तो मनसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर आदमी माना जाता है जिसकी कुल संपत्ति $400 बिलियन से भी ज्यादा थी। साल 1312 में जब मनसा मूसा माली देश के राजा बने तो उन्होंने उस वक्त के 2 सबसे खास चीज सोने और नमक पे हैवी टैक्स लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त दुनिया का 80% सोना मनसा मूसा के कंट्रोल में था। मनसा मूसा की रईसी का पता तब चला जब वो 60,000 लोगों की काफिला लेके हज यात्रा पर निकले। 9,600 किलोमीटर की इस यात्रा में मूसा ने 8 ऊंट और 12,000 लोगों को सिर्फ सोने से भरा बक्सा उठाने के लिए रखा था ताकि वो सारा सोना चैरिटी में दे सके। इस यात्रा के दौरान मूसा ने 20,000 किलो सोना सामने आए जरूरतमंदों के बीच बांट दिया। दोस्तों क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। दोस्तों साउथ इंडस्ट्री का नंबर 1 डायरेक्टर SS राजामौली की डायरेक्शन में बनी मोस्ट अवेटेड मूवी RRR रिलीज हो चुकी है। इस मूवी ने अपने पहले ही दिन पर 223 करोड़ का कलेक्शन करके इतिहास रच दिया है। इस मूवी ने फर्स्ट डे इंडिया में 156 करोड़ का कलेक्शन करके SS राजामौली की ही फिल्म बाहुबली 2, मार्वल्स की अवेंजर और DC की बैटमैन मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों 300 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने अमेरिका में भी फर्स्ट डे पर 22 करोड़ का कलेक्शन करके सभी इंडियन फिल्म्स को US बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। जिस तरीके से ये मूवी रिकॉर्ड्स बना रही है लगता है बहुत जल्दी ये 1,000 करोड़ के माइलस्टोन को भी पार कर देगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि समंदर का सबसे खतरनाक जीव शार्क्स एक भोली भाली और क्यूट सी डॉल्फिन से क्यों डरती है? तो इसके पीछे कई कारण हैं। शार्क्स को समंदर में अकेले रहना पसंद होता है जबकि डॉल्फिन हमेशा झुंड में रहती है जिसे पॉड्स कहते हैं, और जब भी कोई शार्क्स इनके पास आता है तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि डॉल्फिन्स के आगे जो चोच होती है उसे स्नाउट कहा जाता है, और जब भी कोई शार्क्स इन पर हमला करता है तो ये अपने स्नाउट से शार्क्स के सबसे कमजोर भाग यानी कि उसके पेट में इतना जोर से मारता है कि वहीं पर उनकी मौत हो जाती है, और इसीलिए शार्क्स सोचता है मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज अगर आपने सांप को देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि सांप हर 2 मिनट बाद अपना जीभ बाहर निकालता रहता है, पर क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करता है? तो सांप अपने जीभ से अपने सराउंडिंग को इंस्पेक्ट कर रहा होता है। दरअसल सांप के पास आंख तो होता है पर उसके देखने और सुनने की ताकत लिमिटेड होता है, और इसीलिए ज्यादातर सांप अपने जीभ से अपने सराउंडिंग को महसूस करता है। एक सांप अपने जीभ से अपने आसपास के एयर में मौजूद मॉइस्चर पार्टिकल्स को फील करता है और अपने आसपास किसी चीज के होने का पता लगाता है। आप एक तरह से कह सकते हो कि वो एयर को टेस्ट करके अपने आसपास किसी जानवर के होने का पता लगाता है। गाइस क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप एक ही वर्ड जैसे कि लाठी को बार बार रिपीट करो तो वो आपको ठीला सुनाई देने लगता है, पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है?
तो सिमेंटिक सिचुएशन नाम का एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक अगर हम किसी वर्ड को बार बार रिपीट करें तो हमारा ब्रेन उसका मतलब फाइंड नहीं कर पाता है और उसे इग्नोर करने लगता है। मतलब अगर आप दिमाग को कुछ बोल दो तो जब तक दिमाग के लिए वो चीज़ नया है तब तक वो उस पर फोकस करता है, और अगर वही चीज़ रिपीट करो तो ब्रेन उसे इग्नोर करने लगता है। जैसे अगर आप सोते वक्त अपना पंखा चालू रखते हो तो आप नोटिस करना कि आपका ब्रेन उस आवाज़ के बारे में कॉन्शियस नहीं होता है, क्योंकि उस पंखे की आवाज़ को आपका ब्रेन इतनी बार सुन चुका है कि आपका ब्रेन उसे इम्पोर्टेंट नहीं मानता और उसे इग्नोर करता है। दोस्तों ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों ये घटना एक रशियन एयरोस्पेस इंजीनियर व्लादिमीर कोमरोव की है, जिसने ये जानते हुए भी कि इस मिशन में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है वो फिर भी इस मिशन के लिए हाँ कर दी। दरअसल साल 1967 में सोवियत यूनियन को एस्टैब्लिश हुए 50 साल हो गए थे, और इसी दिन को मनाने के लिए सोवियत यूनियन का लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने एक फ्रेशली मेड एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया, जबकि इससे पहले उनका ऑलरेडी 3 स्पेस मिशन फेल हो चुका था और ये भी कुछ वैसा ही होने वाला था। जहां सभी लोगों को साफ दिख रहा था कि ये मिशन एक सुसाइड मिशन है, वहीं लियोनिड को सिर्फ अपने देश को पावरफुल दिखाने से मतलब था, और वही हुआ जिसका उम्मीद था। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। वहां पर ढूंढने पर ऑफिसर्स को मिला एक 80 सेंटीमीटर का जला हुआ और गला हुआ बॉडी, जिसके बाद उस लीडर का काफी बदनामी हुआ। दोस्तों आप ऐसे लीडर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि MIT के रिसर्चर्स ने एक जैकेट बनाया है जिसका नाम है लाइक अ हग जैकेट। ये जैकेट दिखने में तो काफी सिंपल लगता है, पर इसकी खास बात यह है कि इसमें बैटरी लगी हुई है। ये जैकेट आपके फोन से कनेक्टेड रहता है, और जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो अपलोड करते हो और आपके फ्रेंड्स या फॉलोअर्स उसे लाइक करता है तो ये जैकेट आपको जोर से एक जादू की झप्पी देता है। ये जैकेट नोटिफिकेशन के बेसिस पे काम करता है, यानी कि जितना ज़्यादा लाइक्स का नोटिफिकेशन उतना ही ज़्यादा हग्स। गाइज क्या आप ये जैकेट पहनना चाहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपने कभी दो सर वाले कुत्ते को देखा है? अगर नहीं तो इसे देखिए। ये कुत्ता जन्म से ही ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ इंसानों ने इसका यह हाल कर दिया है। दरअसल साल 1950 में व्लादिमीर नाम के रशियन साइंटिस्ट ने इन बेजुबान जानवरों पर एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने दो अलग अलग ब्रीड के कुत्ते का ऑपरेशन करके उन्हें एक बना दिया। दोनों में से एक जर्मन शेफर्ड था और दूसरा ब्रेडिगा ब्रीड का था। साइंटिस्ट की खुशकिस्मती से यह ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। दोनों ही कुत्ते ऑपरेशन के बाद मूव कर पा रहे थे, और तो और इनके अंदर खाने पीने की और सूंघने की क्षमता डबल हो गया था। पर सिर्फ 4 दिनों बाद इन दोनों कुत्तों की मौत हो गई। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंसान को कुदरत के काम में दखल देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों चांद पर टेम्परेचर -378 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और स्पेस में -455 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर भी वो दुनिया की सबसे ठंडी जगह नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह हमारी पृथ्वी पर है, जो कि फिनलैंड की एक लैब में पाई गई है। यहाँ पर साइंटिस्ट एटम तक को लेजर की मदद से फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है। और एक फैक्ट ये भी है कि क्या आपको पता है कि यूनिवर्स की टेस्ट रेस्पबेरी की तरह होता है, और ये हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। जब साइंटिस्ट ने मिल्की वे के बीच में डस्ट क्लाउड पर रिसर्च किया तो उन्हें एक ऐसा केमिकल कंपाउंड मिला जो कि रेस्पबेरी में भी पाया जाता है, और उसी केमिकल कंपाउंड की वजह से रेस्पबेरी इतना ज़्यादा डिलीशियस भी होता है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कितनी बड़ी है ये कभी किसी ने नहीं बताया। तो चलिए आज हम इसे जूम आउट करके देख ही लेते हैं। वाओ है ना अमेजिंग। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस अगर आप मान लो कि आपका वेट 100 kg है, तो क्या आपको पता है कि उसमें से 15 kg सिर्फ आपका स्किन होता है। ह्यूमन बॉडी में स्किन आपके पूरे बॉडी वेट का 15% होता है। और एक और फैक्ट ये है कि आप तो जानते ही होंगे कि इंसानों के शरीर से हर वक्त लाखों की मात्रा में डेड सेल्स झड़ते रहता है। तो कुछ डेटा की माने तो इस एटमॉस्फेयर में जितने भी डेड सेल्स डस्ट के फॉर्म में मौजूद है वो इस पूरी धरती पर अराउंड 1 बिलियन टन का लोड डालता है। यानी कि जिसको भी हम डस्ट कहते हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें से 1 बिलियन टन हमारा स्किन ही होता है,
गैस क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों ये बात तो आप जानते होंगे कि इस दुनिया में 7 अजूबे मौजूद हैं, पर क्या आपको पता है कि उन 7 में से भी नंबर 1 रैंक पर कौन आता है? तो एक सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स है जिसने इन सभी को रैंक किया था, और आप ये जानकर खुश हो जाएंगे कि ताजमहल रैंक नंबर 1 पे आता है 94 पॉइंट्स के साथ। नंबर 2 पर आता है मेक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा, जिसको 92 पॉइंट्स मिले हैं। रैंक नंबर 3 पर 89 पॉइंट्स के साथ आता है माचू पिचू वैली, जो कि पेरू में मौजूद है। ऐसे ही रैंक नंबर 4 पर द कॉलिजियम ऑफ रोम, नंबर 5 पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नंबर 6 पे क्राइस्ट द रिडीमर, और लास्ट में आता है पेट्रा, जो कि जॉर्डन में लोकेटेड है। गैस क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों इमेजिन करो कि आपको किसी तरह का एंगर इश्यूज है और एक डॉक्टर आपके घर आता है, और पहले तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक देकर आपको बेहोश करता है, और फिर आपके आई सॉकेट के थ्रू आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब तक एक कील हथौड़े से ठोक कर आपका गुस्सा खत्म करने में आपकी मदद करता है, तो आप क्या कहेंगे? वेल, इसी सर्जरी को लोबोटमी कहते हैं। लोबोटमी को इतिहास के सबसे खतरनाक सर्जरीज में से एक माना जाता है। इस सर्जरी को 3500 लोगों पे परफॉर्म किया जा चुका है, जिसमें से भी लगभग 525 लोगों की मौत हो गई। खुद इसके इन्वेंटर इगास मोनिस के एक अनसक्सेसफुल लोबोटमी ऑपरेशन की वजह से एक पेशेंट की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने बदला लेने के लिए इगास मोनिस के ऑफिस में घुसकर उसको गोली मार दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, लेकिन इस साल जो कांड हुआ है वो अवार्ड से भी ज़्यादा बड़ा है। ऑस्कर की बड़ी महफिल में एक्टर विल स्मिथ ने स्टेज पर जाकर शो के होस्ट क्रिस रॉक को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। पहले तो सभी सेलिब्रिटीज़ को ये मजाक लगा, लेकिन जब सिचुएशन और ख़राब हुई तब सब समझ गए। दरअसल क्रिस ने विल स्मिथ की वाइफ जेडा के गंजेपन पर कमेंट करते हुए कहा कि उसको फिल्म GI जीन में गंजेपन की वजह से ही कास्ट किया गया था, और उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए थे बल्कि वो एलोपेशिया बीमारी से जूझ रही है, जिससे उसके बाल झड़ गए हैं। यही बात विल स्मिथ को बुरी लग गई और उन्होंने ये कांड कर दिया। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे कम उम्र में माँ बनने वाली औरत कौन थी, और वो किस उम्र में माँ बनी थी? तो सबसे कम उम्र में माँ बनने वाली लड़की लीना मेडिना थी, जो कि अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त सिर्फ 5 साल 7 महीने और 21 दिन की थी। इतने कम उम्र में ऐसा कैसे हो गया ये किसी को पता नहीं चल पाया, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ भी आंसर नहीं कर पा रही थी। फिर भी पुलिस ने उसके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव को कई हफ्तों तक पूछताछ की, पर कुछ ठोस एविडेंस ना मिलने की वजह से छोड़ना पड़ा। उनके बेटे ग्राडो मेडिना का लाइफ सीक्रेट रखा गया ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। इतने कम उम्र में प्रेग्नेंट होने के बावजूद लीना आज भी जिंदा है, और आज उसकी उम्र 88 साल हो चुका है। गाइस क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस धरती के अंदर इतना सोना है कि अगर हम सारा सोना निकाल पाए तो पूरी धरती को 1.5 फीट मोटी सोने की परत से कवर कर लेंगे, पर सारा सोना धरती के कोर में होने की वजह से हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उतनी गर्मी बर्दाश्त करके वहाँ से सोना निकाल पाए। फैक्ट नंबर 2, करोड़ों साल पहले धरती पूरी तरह से पानी में कवर्ड था, जिसके कुछ लाख साल बाद टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण लैंड्स फॉर्म होने लगे। पर क्या हो अगर धरती का पूरा पानी अचानक से गायब हो जाए? अगर ऐसा होता है तो हमारी धरती कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। जितने भी फॉरेस्ट है वो कुछ ही हफ्तों में रेगिस्तान में बदल जाएगा। दोस्तों क्या आपको इससे पहले ये फैक्ट्स पता थी? अगर नहीं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि महाभारत कोई सच्चाई नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है, तो जरा इसे देखिए। ये वही जगह है जहाँ पर महाभारत का विशाल युद्ध लड़ा गया था। इसी को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई पुराने तीर, भाले और तलवार मिले हैं। अगर आपको लगता है कि हथियार के मिलने का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब इन हथियारों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये हथियार 2800 साल पुराने हैं, और महाभारत में ये साफ लिखा गया है कि उसी वक्त के दौरान वो युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों कहा जाता है कि उस युद्ध में इतनी सारी मौतें हुई कि उसे धरती भी नहीं झेल पाई, जिसकी वजह से आज भी कुरुक्षेत्र में मिट्टी का रंग लाल है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ये घटना हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोने से पहले हमारे मन में अलग अलग ख्याल आता है, और कई सर्वे में ये पाया गया है कि 80-90% लोग वही इमेजिन करते हैं जो वो होते हुए देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर किसी को बहुत पैसा कमाने का मन है तो वो खुद को बहुत बड़ा रईस इमेजिन करने लगता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए किसी एक फील्ड में करियर बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर जॉनी केम नाम का ये आदमी अब 40 साल का हो चुका है और इनका 3 सक्सेसफुल करियर रह चुका है। फिलहाल ये नासा के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट है, पर पहले ये नेवी सील ऑफिसर हुआ करते थे, और जब इसने नेवी छोड़ा तब ये हार्वर्ड के डॉक्टर बने, और इनका तीनों ही करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। दोस्तों, आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ही जगह ऐसे हैं जहां पर हीरा मिलता है, पर क्या आपको पता है कि अब हम इंसानों की राख से भी हीरा बना सकते हैं। पहले जब किसी करीबी का मौत होता था तो उसका अंतिम संस्कार करके उसके राख को नदी में बहा दिया जाता था, पर अब ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में रहने वाला रिनाल्डो विली ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसे हम अपने किसी करीबी की राख को डायमंड्स में तकदीर करके उसे हमेशा के लिए अपने करीब रख सकते हैं। रिनाल्डो विली ने एल्गर डेंजा नाम की एक कंपनी खोली है ताकि वो अपने इस काम को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। यहां आप किसी भी साइज या कलर के हीरे बनवा सकते हैं। यहां आपको एक हीरा बनवाने का 3 लाख से 15 लाख रुपए लग जाएंगे। दोस्तों, आपको रोनाल्डो विली का आइडिया कैसा लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे कमाल के पेंटिंग्स मौजूद है जो करोड़ों में बेची जाती है, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग। पर कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है जिन्हें देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पेंटिंग इतना महंगा बिका कैसे। अनटाइटल्ड नाम की ये पेंटिंग उन्हीं में से एक है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पेंटिंग 468 करोड़ यानी कि लगभग 500 करोड़ में बेची गई थी। ऐसा ही एक और आदमी मार्क रोथको ने एक ऑरेंज रेड येलो नाम की पेंटिंग बनाई थी, और ये पेंटिंग बिका था 583 करोड़ में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये पेंटिंग सच में खास है या फिर इन्हें खरीदने वाले बेवकूफ़ है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने बहुत सारे होटलों में रात बिताई होगी, पर क्या आपने कभी ऐसा होटल देखा है जिसका ना कोई छत हो ना दीवार? तो स्वीडन में एक नलस्टर्न नाम का होटल है जो बिल्कुल ऐसा ही है। इस होटल में रहने के लिए आपको सिर्फ एक बेड, लैंप और टेबल दिया जाता है। इस होटल में एक रात बिताने के आपको 21,000 रुपए लगते हैं। ये होटल 6,400 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि जहाँ दूसरे होटलों में अटैच्ड बाथरूम होता है, वहीं यहाँ पर बाथरूम जाने के लिए भी आपको 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। पर इस होटल का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है यहाँ का व्यू। यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो असल में किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ तक कि इस होटल के लॉन्च होने के कुछ महीनों तक ये होटल पूरी तरह से बुक था, और आज भी ये होटल अपनी यूनिक आइडिया की वजह से फायदे में चल रही है। दोस्तों, क्या आप इस होटल के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे आर्किटेक्चर्स दिखाएंगे जो पूरी दुनिया में बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइन कहलाते हैं। नंबर 2, गार्डन ऑफ द बे। सिंगापुर में बनाया गया ये गार्डन 250 एकड़ में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि इसमें 80 से 160 फीट के कुल 18 स्ट्रक्चर्स हैं। इस गार्डन में लगभग 17,000 पेड़ पौधे हैं जिनकी कुल 200 प्रजातियां हैं। इस गार्डन को विल्किंसन आयर ने डिजाइन किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है। नंबर 1, ओपरा हाउस। ओपरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बनाया गया एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इसके अंदर 3 थिएटर, प्ले हाउस, स्टूडियो और ड्रामा थिएटर भी है। इस खूबसूरत आर्किटेक्चर को जॉन ऑर्जन ने बनाया था, जिसके लिए उसे साल 2003 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। ये इतना जबरदस्त है कि इसे यूनेस्को ने हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी जगह दी है। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है जो इसे और खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सा है और उसकी टॉप स्पीड कितनी है? तो अब तक का बनाया गया फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन LO सीरीज मैगलेव है, जिसका स्पीड 603 किलोमीटर पर आवर है। इस ट्रेन को जापान ने बनाया है। ये ट्रेन इतना फास्ट है कि टोक्यो से नागोवा तक का सफ़र सिर्फ 40 मिनट में ये तय कर लेता है। करीब 980 फीट लंबी ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन पर चलती है, यानी कि बिना पटरी को टच किए चलती है। इस ट्रेन को मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है जिससे ये हवा को तलवार की तरह काटता है। ये ट्रेन इतना फास्ट है कि एरोप्लेन भी इसके सामने पानी मांगता है। दोस्तों, क्या आप भी कभी इस पर बैठना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक आर्मिलारिया स्टोक फंगस नाम का मशरूम है, जिसकी मेजरमेंट करीब 3.5 किलोमीटर तक की है। फैक्ट नंबर 2,
ह्यूमन लंग्स का सरफेस एरिया एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। ऐसे में किसी इंसान के लंग्स को अगर खोलकर जमीन पर बिछा दे तो वो इतना जगह कवर करेगा जितना एक टेनिस कोर्ट का होता है। फैक्ट नंबर 3, अगर हर एक ऑटम में मौजूद खाली जगह हटा दे तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक एप्पल के अंदर फिट हो सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्टों के हिसाब से एक एटम में 99.9% खाली स्पेस होता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा? 1 सेकंड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। 20 सेकंड नहीं करोगे तो आपकी आंखों से पानी आने लगेगा। 50 सेकंड नहीं करोगे तो आपकी आंखों में डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। ब्लिंक न करने के 2 मिनट बाद आपको साफ दिखना बंद हो जाएगा और 2.5 मिनट बाद आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, यानी कि आपकी आंखों में जलन होने लगेगा। 5 मिनट बाद आपकी आंखों की वेन्स रेड होने लगेगी। 15 मिनट बाद आपकी आंखों में पेन होने लगेगा और 35 मिनट बाद आपकी आंखों में इतना पेन होगा जितना आंखों में टैटू कराने वाले को होता है। 4 घंटे बाद आप शेप्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। 3 दिन ब्लिंक नहीं करने पर आपकी आंखों में ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स होने लगेंगे जिसे सर्जरी करके भी नहीं ठीक किया जा सकता है। 5 दिन बाद आपको हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, यानी कि आपको ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जो असल में है ही नहीं। और फाइनली 11 दिन और 6 घंटे बाद आप पूरी तरह से ही अंधे हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट्स पता थी? अगर नहीं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, गर्मियों में पसीना आना आम बात है, पर क्या हो अगर आपको पसीने की जगह खून आने लगे? तो हेमाटोहाइड्रोसिस नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें यही होता है। इस कंडीशन के पेशेंट को पसीने की जगह पसीने में खून मिक्स होके बाहर निकलता रहता है। हेमाटोहाइड्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके स्वेट ग्लैंड्स रप्चर हो चुके होते हैं, यानी कि डैमेज हो चुके होते हैं, और फिर उसमें से जो ब्लड निकलता है वो पसीने के साथ मिक्स हो जाता है और बाहर आने पर वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये बीमारी होने की मेन वजह एक्सट्रीम फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस होता है। गैस, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोटिवेशन इतना टेम्पररी क्यों होता है? जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद हमें लगता है हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर कुछ ही देर बाद वही पहले जैसी जिंदगी चलने लगती है। पर क्या आपको पता है कि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मोटिवेटेड रीजनिंग। मोटिवेशनल वीडियोस आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स जरूर लाते हैं, पर ये आपको उतना नहीं बदलता जितना आप सोचते हो। इंसानों को असल में नॉलेज और अवेयरनेस बदलता है। जो कोई भी नॉलेजेबल आदमी इस दुनिया से अवेयर है वो बहुत सक्सेसफुल होगा इन कंपैरिजन टू समवन जो पूरा दिन घर में बैठ के मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता है। कभी कभी अपने आप को चीयर अप करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखना अच्छी बात है, पर पूरा दिन देखते रहना बिल्कुल नहीं। दोस्तों, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, सुपर ह्यूमन बनने की उम्मीद में एक आदमी हर रोज जहरीले सांपों से कटवाता था, लेकिन लास्ट में जो उसके साथ हुआ वो सच में खौफनाक था। स्टीव सांपों के जहर का इस्तेमाल करके सुपर ह्यूमन बनना चाहता था, इसीलिए वो 17 की उम्र से ही जहरीले सांपों को खरीद कर उनसे कटवाने लगा। शुरुआत में वो खुद को सुपर ह्यूमन जैसा महसूस करता था और उसे इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो 4 साल तक सांपों का जहर लेता रहा जब तक कि वो बीमार नहीं हो गया। उसकी कंडीशन देखकर डॉक्टर्स ने बताया कि उसके बचने का चांस सिर्फ 1% है। ऐसे ही 3 हफ्ते बीत गए, तब उसके एक दोस्त ने कोबरा का जहर उसे दे दिया जिससे कि वो कुछ ही घंटों में उठ गया और उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसे और अमेजिंग वीडियोज के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, टिमोथी डेक्स्टर नाम का एक आदमी था जो कि 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक दिन ऐसे ही इसके दिमाग में एक सवाल आया कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और यही बात पता करने के लिए उसने सीक्रेटली अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अपने मरने की खबर अखबार में छपवा दिया। अगले ही दिन जब लोगों को ये बात पता चला तो हजारों लोग उसके फ्यूनरल में पहुंचे। कुछ ही देर बाद वहां पर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, और फिर पता चलता है कि ये बिजनेसमैन अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी पत्नी फ्यूनरल के दौरान रो नहीं रही थी। दोस्तों, आप इसके पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रेन के डब्बे के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है? तो ये नंबर्स असल में एक कोड होता है जिससे आप उस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं वो 2 भाग में बटा होता है। शुरू के 2 नंबर उस डब्बे के मैन्युफैक्चरिंग ईयर बताता है। जैसे इस डब्बे पर 04 लिखा हुआ है जिसका मतलब ये 2004 में बनाया गया था, और बाकी के 3 डिजिट का मतलब आप इस चार्ट में देख सकते हो। ये डिजिट बताता है कि वो डब्बा कौन से क्लास के पैसेंजर के लिए है। जैसे कि इसमें जो नंबर है 052, ये दिखाता है कि ये डब्बा AC सेकेंड ईयर है। गाइस, के आपको इफेक्ट्स पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।
दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कभी 6 इंच का आदमी भी हुआ करता था, और हमारी इसी बात को साबित करता है ये पेड्रो ममी। दोस्तों जब साल 1934 में सैन पेड्रो माउंटेन पर दो आदमी सोने की तलाश में पहुंचे, तब उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखी और उस गुफा में इन्हें ये ममी मिला। जब रिसर्चर्स ने इस ममी को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि इतना छोटा इंसान आखिर हो कैसे सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लगा कि ये ममी कोई 16 से 65 साल के बीच का आदमी है, पर जब वैज्ञानिकों ने उसकी एक्सरे रिपोर्ट्स देखी तब पता चला कि ये एक विशेष बीमारी से पीड़ित था, जिसमें इंसान के शरीर का बहुत सारा हिस्सा जन्म से ही नहीं होता है, जैसे कि खोपड़ी का कुछ भाग और शरीर के दूसरे कुछ अंग। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कितना पैसा है, और अगर हम सारे पैसों को इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी में बराबर बराबर बांट दें तो हर एक के हिस्से में कितना पड़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया में 84 ट्रिलियन डॉलर कैश मौजूद है, और अगर हम ये सारा पैसा हर एक लोगों में यानी कि 7.6 बिलियन लोगों में बांट दें तो हर एक आदमी को $11,000 यानी कि करीब 9 लाख रुपए मिलेंगे। इस दुनिया में जितना भी पैसा है उसका 70 से 80% 10-20% लोगों के पास ही है, और बाकी के 20-30% पैसा 70 से 80% लोगों के पास, जो दिखाती है कि इस दुनिया में पैसा कैसे अनइवन तरीके से बटा हुआ है। किसी के पास हद से ज्यादा पैसा है तो किसी के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। गाइज क्या ये बात आपको पहले से पता थी? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी दुनिया की 10 सबसे महंगी फिल्में। नंबर 10 पर है दो मूवीज, एक टैंगल्ड और दूसरा द लायन किंग, और दोनों का बजट था अराउंड $260 मिलियन। नंबर 9 स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई, $262 मिलियन। नंबर 8 बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, $263 मिलियन। 7वें नंबर पर है जॉन कार्टर और इसका बजट था $264 मिलियन। नंबर 6 पर आता है स्टार वॉर्स की दो मूवीज, पहला सोलो और दूसरा द राइज ऑफ स्काईवॉकर्स, और दोनों का बजट $275 मिलियन था। 5वें नंबर पर भी आता है दो मूवीज विद $300 मिलियन बजट, पहला पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड और दूसरा जस्टिस लीग। नंबर 4 पर है इन्फिनिटी वॉर $325 मिलियन। नंबर 3 अवेंजर्स एंड गेम $356 मिलियन। नंबर 2 अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन $365 मिलियन। और फाइनली नंबर 1 पर है 2011 की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स, और इसका बजट था $379 मिलियन। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये 1 लाख मच्छरों की है। इस तस्वीर को फ्लोरिडा के ली काउंटी मॉस्किटो कंट्रोल ने अपने फेसबुक पेज पर डाला था। उनका कहना है कि उन्होंने इसे साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ा है। फैक्ट नंबर 2, रोज क्रॉसबिक नाम का ये बर्ड मेल और फीमेल दोनों है। इसका जो रेड वाला हिस्सा है वो मेल और जो येल्लो वाला हिस्सा है वो फीमेल है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही छोटे होते हैं, पर वेलेंसिया वेंट्रिकोसा नाम का ये ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो एक गोल्फ बॉल के साइज का है। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुबई दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने जा रहा है? तेल के कुएं के लिए मशहूर दुबई ये जानता है कि कुआं कभी न कभी तो सूख ही जाता है, और इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ नया करता ही रहता है। यूएई के प्रधानमंत्री के नाम पर बन रहा मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तून सोलर पार्क 5,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। 95,200 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पार्क बनने के बाद 13 लाख घरों को आसानी से रोशन कर पाएगा। इस पार्क की वजह से कार्बन का प्रोडक्शन भी सालाना 65 लाख टन तक कम हो जाएगा। आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क चीन में है जो 1,542 मेगावाट बिजली पैदा करता है, पर ये इससे 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर पाएगा। दुबई अथॉरिटीज का कहना है कि 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों आप दुबई की इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आज के समय में इस दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे पहला इंसान धरती पर कैसे और कहां से आया था? तो जब 66 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया तो डायनासोर सहित सारे बड़े बड़े जीव धरती से गायब हो गए, जिसके हजारों सालों बाद धरती पर छोटे छोटे जीव अपना घर बनाने लगे, जिनमें से एक था प्राइमेट्स। इवोल्यूशन के चलते इन जीवों में भी काफी बदलाव आया, और करोड़ों साल बाद ये जीव कुछ इस तरह के दिखने लगे। इन जीवों को होमो सेपियंस का नाम दिया गया, जिन्हें हम अपना पूर्वज भी मानते हैं। होमो सेपियंस ने समय के साथ वेजिटेरियन चीजों को भी खाना शुरू कर दिया और खेती जैसी चीजों को समझा, जो कि सिविलाइजेशन के और इंसानों का पहला कदम माना जाता है। गाइस क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि मेल मस्कीटोज इंसानों का खून नहीं चूसते हैं? अक्सर सोते वक्त मच्छर हमारे कान के पास आकर बहुत ही इरिटेटिंग साउंड निकालने लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्का काटने वाला है।
दरअसल फीमेल मच्छरों के पेट में जो अंडा होता है वो उसको नरिश करने के लिए इंसानों का खून चूसती है, क्योंकि इंसानों के ब्लड में ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसके बच्चे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और जो मेल मच्छर होते हैं वो ज़्यादातर किसी फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्रूट से नेक्टर लेते हैं, यानी कि उसका जूस निकाल कर पीते हैं, ताकि उसे भी अपने बॉडी के लिए ज़रूरी शुगर और एनर्जी मिल पाए और वो सर्वाइव कर सके। गाइज, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। इतिहास में दिए जाने वाले कुछ ऐसे पनिशमेंट जो नर्क से भी बदतर थे। नंबर 1, लिंचेस लू स्लाइसिंग। इस सजा को 10th सेंचुरी में चाइना के आसपास के देशों में दिया जाता था। इसमें गुनहगार के शरीर पर हजारों कट्स लगाए जाते थे ताकि उसकी तड़प तड़प के मौत हो। कई जगह तो इंसान को उल्टा टांग के आरी से उसको बीच से काटा जाता था। नंबर 2, ब्रेस्ट पनिशमेंट। पुराने वक्त में महिलाओं को सजा देने के लिए कुछ ऐसे हथियार बनाए गए थे जिसे गर्म करके महिलाओं के स्तन पर रखा जाता था और उनका ब्रेस्ट उखाड़ दिया जाता था। नंबर 3, नोज कटिंग। दोस्तों, पहले के ज़माने में भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को ये सज़ा दिया जाता था, और नाक काटने के बाद सभी अफसरों को एक अलग से जेल में डाल दिया जाता था। दोस्तों, आपको ये पनिशमेंट सही लगता है या गलत, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये धरती 454 करोड़ साल पुराना है। इसका उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग किया गया था, जो कि साइंटिस्ट के हिसाब से किसी भी चीज़ का उम्र पता करने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि इस प्रोसेस में चीज़ों के मॉलिकुलर लेवल पर उसका एज पता किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है जो खुद धरती से भी ज़्यादा पुराना है? तो एक स्टोन पाया गया था सहारा डेजर्ट में, जो लोगों को थोड़ा खास लगा और उन्होंने इसका जांच किया, और जब रिजल्ट्स देखा तो पता चला कि ये 456 करोड़ साल पहले का पत्थर है, जो धरती के बनने से भी 2 करोड़ साल पहले बना था। ये पत्थर अर्ली सोलर सिस्टम का पार्ट हो सकता है जो गलती से पृथ्वी पर आ गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्राचीन समय के 3 सबसे खतरनाक और जानलेवा हथियार। नंबर 3, उरूमी। तलवार की तरह दिखने वाला यह हथियार बेहद ही लचीला और खतरनाक होता था, क्योंकि इस हथियार में एक ही हैंडल में कई सारे तेज धार वाले ब्लेड लगे होते थे। इसे एक साथ कई दुश्मनों से निपटने के लिए बनाया गया था, और यह हथियार इतना खतरनाक था कि अपने चलाने वाले को भी घायल कर सकता था। नंबर 2, चक्रम। गोलाकार आकृति वाला यह हथियार बेहद ही जानलेवा और घातक हथियार था, क्योंकि इस हथियार में बाहरी तरफ काफी तेज धार लगी होती थी जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को काट डालती थी, और आमतौर पर इस हथियार को दुश्मन पर फेंक कर हमला करने के लिए बनाया गया था। नंबर 3, टेकुगाकी। इस हथियार का ज्यादातर उपयोग जापान में सालों पहले किया जाता था, जिसमें 4 बेहद नुकीले पंजे लगे होते थे। ये अपने दुश्मन को दर्दनाक मौत देने में सक्षम था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, हमने बॉलीवुड की फिल्मों में हमेशा देखा है कि क्रिमिनल को फांसी देने से पहले जल्लाद उसके कान में कुछ कहता है, लेकिन क्या कहता है ये कभी नहीं सुना। तो दोस्तों, फांसी देते वक्त जल्लाद सबसे पहले मुझे माफ़ कर दो कहता है, और फिर अगर वो इंसान हिंदू हुआ तो उसे आखिरी बार राम राम कहता है, या फिर अगर वो मुस्लिम हुआ तो उसे आखिरी बार सलाम कहता है। और इसके साथ ये भी जान लो कि एक जल्लाद को लोगों को मारने की कितनी सैलरी मिलती है। तो निर्भया रेप कांड के गुनहगारों को फांसी देने वाला पवन जल्लाद ने बताया कि उन्हें हर महीने 5,000 रुपये यूपी जेल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते थे, पर जब उन्होंने निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर चढ़ाया तब उन्हें पर पर्सन सरकार से 25,000 रुपये मिले, यानी कि उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती। ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक तारा ऐसा भी है जिसे आप बिना किसी इक्विपमेंट के छू सकते हो और आपको कुछ नहीं होगा? पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट स्टार्स होता है। अभी तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला है जो तारों की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। ऑन एन एवरेज एक तारे की टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस होती है, पर नासा को एक ऐसा ड्वार्फ स्टार मिला है जिसका टेम्परेचर लिटरली सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस तारे का नाम WISE-1828+2650 रखा गया है, और इस तारे को कोल्डेस्ट ब्राउन स्टार एवर भी कहा जाता है। इसका टेम्परेचर उतना ही है जितना हम पृथ्वी पर नॉर्मल एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, अगर ये फैक्ट सुनकर आपको भी मजा आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। दोस्तों, भगवान है या नहीं इस बात पर आए दिन बहस होती ही रहती है, पर अब शायद ये बहस खत्म हो जाए, क्योंकि साइंटिस्ट के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो साबित करता है कि भगवान असल में होते हैं। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों को थाईलैंड के बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर काफी बड़े पैरों के निशान मिले। काफी लोगों का मानना है कि ये निशान भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये कई 100 साल पुराना है।
ऐसे ही फुटप्रिंट्स श्रीलंका में भी बहुत ज्यादा ही देखने को मिलती है। और आपको श्रीलंका और रामायण के बीच का कनेक्शन तो पता ही होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, जो फुटप्रिंट्स मिले हैं वो सच में भगवान के हैं और रामायण जैसी एपिक स्टोरी सच है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों 750 करोड़ की आबादी में क्या आपको पता है कि सबसे लंबा इंसान कौन है और उसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों उसका नाम सुल्तान कोसीन है। इसके नाम पर दुनिया का सबसे लंबा इंसान होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इसका जन्म सन 1982 में टर्की देश के मर्डिन शहर में हुआ था। दोस्तों इसका हाइट 2.51 मीटर यानी कि लगभग 8 फुट 3 इंच है। सुल्तान 10 साल की उम्र से पहले बाकी बच्चों की तरह ही थे, लेकिन उसके बाद इनके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने के कारण इनकी हाइट अचानक बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आज ये दुनिया का सबसे लंबा जिंदा इंसान के तौर पे जाने जाते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों मंगल ग्रह पर अक्सर कोई ना कोई खोज होती ही रहती है, लेकिन इस बार जो देखा गया है वो आपको हैरान कर देगा। इस बार अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा की क्यूरियोसिटी रोवर ने पहाड़ में एक छोटा सा दरवाजा और उसमें से गुजरता हुआ रास्ता देखा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया होगा। इस दरवाजे के अंदर क्या है वो तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई बड़ा जीव या फिर एलियन रहता होगा। वहीं काफी सारे यूएफओ एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ये दरवाजा असल में मिस्र के प्राचीन मकबरे की तरह दिखता है। फिलहाल इस दरवाजे के अंदर का राज हमें पता नहीं चला है, पर इसने एक बार फिर से साइंटिस्टों के बीच दूसरी दुनिया का चर्चा शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारे अलावा और किसी दुनिया का अस्तित्व है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि छिपकली का पूंछ कटने के बाद भी खुद ही रीग्रो हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लैटवर्म नाम का एक क्रिएचर है जिसका सर अगर हम काट दें तो वो फिर से रीग्रो हो जाता है। पूछ तो एक नॉर्मल बॉडी पार्ट है, लेकिन फ्लैटवर्म के ब्रेन को अगर हम अलग कर दें तो ब्रेन भी अलग से निकल जाता है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि ब्रेन काटने के बाद फिलहाल तो उसकी मेमोरी चली जाती है, पर जब उसका ब्रेन वापस ग्रो हो जाता है तो वही मेमोरी नए ब्रेन में आ जाता है। ब्रेन रीग्रो हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, पर मेमोरीज वापस कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि फ्लैटवर्म की मेमोरी इसके ब्रेन में नहीं बल्कि कहीं और स्टोर होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इसकी मेमोरीज वापस कैसे आती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आज तक आपने काफी सारे अतरंगी पेंटर्स को देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि जॉन पॉप लेटन नाम का एक आर्टिस्ट है जो इंसानों की बॉडी को कैनवस की तरह इस्तेमाल करके बहुत ही अनोखा और कमाल का पेंटिंग बनाता है। नॉर्दर्न उटा में रहने वाले जॉन पॉप लेटन ना सिर्फ पेंटिंग बल्कि फोटोग्राफी में भी माहिर है, और इसीलिए उसने अपनी पेंटिंग्स को बखूबी कैमरे में कैद भी किया है। जॉन अपने पेंटिंग्स में ऐसे कलर का इस्तेमाल करता है जो अंधेरे में भी चमकता है। फोटोग्राफी बैकग्राउंड से होने की वजह से उसे पता है कि कौन सा कलर दिखने में कितना अच्छा लग सकता है। जॉन पॉप को एक पेंटिंग बनाने में 15 मिनट से लेकर 3.5 घंटे तक का समय लग जाता है। गाइज क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ही बार में बिना रुके कितने देर तक दौड़ सकते हैं तो आपका जवाब यही कुछ 20 से 25 मिनट होगा। पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दूर तक दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस इंसान के पास है? तो डीन करनाज नाम का एक रनर है जिसने 2005 में एक ही बार में बिना रुके 350 माइल्स यानी कि 563 किलोमीटर का दौड़ लगाया था। इस आदमी ने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 80 घंटों तक बिना सोए दौड़ता रहा। इस आदमी को द मैन हु कैन रन फॉरएवर का टाइटल भी दिया गया है। गाइस क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आज तक आपने काफी सारे रिजॉर्ट देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि जापान में एक रिजॉर्ट है जहां आपको नहाने के लिए पानी नहीं बल्कि ड्रिंक्स मिलती है। इस रिजॉर्ट का नाम यूनिसन स्पा रिजॉर्ट है और ये अपने यूनिकनेस के लिए काफी मशहूर है। यहाँ पर आप वाइन में नहा सकते हो, कॉफ़ी में नहा सकते हो, ग्रीन टी में नहा सकते हो और तो और नॉर्मल चाय में भी नहा सकते हो। ऐसा सर्विस देने वाला प्रोबेबली ये दुनिया का एकलौता रिजॉर्ट है। टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ नहाने के आपको पर पर्सन 2 से 2.5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। गाइस क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक जगह ऐसा भी है जहां हम एक ही दिन में 2 बार सनसेट होते हुए देख सकते हैं, और वो जगह और कहीं नहीं बल्कि दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। गाइस आप जितनी ऊंचाई पे होते हो आपको सनसेट उतना ही लेट दिखता है, क्योंकि नीचे के मुकाबले ऊंचाई से आपको वाइड व्यू मिलता है। और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि नीचे खड़े हुए लोगों के मुकाबले जो टॉप फ्लोर पर होता है उसको वही सनसेट पूरे 3 मिनट लेट दिखती है। यानी कि आप पहले ग्राउंड फ्लोर से सनसेट देख सकते हो और उसके बाद फटाक से 3 मिनट के अंदर ऊपर जाकर आप वही सनसेट दोबारा देख सकते हो।
और अगर आप और हाइट यानी कि स्पेस स्टेशन में जाते हो तो आपको एक ही दिन में कई बार सनराइज एंड सनसेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट्स पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। एनिमल के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों समुद्र में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसका बॉडी ट्रांसपेरेंट लगता है और जो हड्डी है वो क्लियरली दिखता है। इसका नाम स्केलेटन पांडा सी स्क्वर्ट्स है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा है जिसका वेट 227 केजी से भी ऊपर जा सकता है और इसका जो लेंथ है वो 8 मीटर तक जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सारे के सारे पेंगुइन एक ही कलर के होते हैं। आज तक कभी दूसरे कलर या डिज़ाइन का पेंगुइन नहीं देखा था, पर अचानक से ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई जिसमें कि एक येलो और व्हाइट पेंगुइन को देखने का दावा किया जा रहा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास में दिए जाने वाले कुछ ऐसे पनिशमेंट्स जो इंसान को मौत से रूबरू कराता था। नंबर 1, बॉइलिंग वाटर। इस पनिशमेंट में गुनहगार को उबलते हुए पानी या फिर गर्म तेल की कढ़ाई में जिंदा डाल दिया जाता था। ये सजा 16th सेंचुरी से पहले एशिया और यूरोप के कुछ देशों में दिया जाता था। नंबर 2, क्रश्ड बाय एलिफेंट। दोस्तों, ये सजा इंडिया और ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी पॉपुलर था, जिसमें एक ट्रेंड एलिफेंट अपराधी के सर को अपने पैरों से कुचल के मार देता था। नंबर 3, ब्रेजन बुल। ये सजा ज़्यादातर ग्रीस में दी जाती थी। इस सजा में इंसान को एक मेटल से बने बुल के अंदर डाल दिया जाता था और उसे तब तक पकाया जाता था जब तक वो मर ना जाए। दोस्तों, आप इन सजाओं के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में अर्जेंटीना के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को दो ऐसे विशालकाय उड़ने वाले बर्ड के फॉसिल मिले हैं जिनको उन्होंने ड्रैगन ऑफ डेथ का नाम दिया है। ये फॉसिल टेरासॉर्स प्रजाति की डायनासॉर्स की है जिनकी खोज सदर्न मेंडोजा में हुई है। इन दोनों फॉसिल्स के पंख लगभग 23 फीट और 30 फीट चौड़े हैं। इनके पंखों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक ही बार में इंसानों से भरी पूरी बस को उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि डायनासॉर्स की ये प्रजाति 6.6 से 14.6 करोड़ साल पहले हुआ करती थी। एक फुल ग्रोन टेरासॉर्स का सिर्फ चोंच ही इंसानों से भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये फॉसिल फिलहाल मेंडोजा के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूए में रखा गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज़्यादा देर तक सनलाइट में होने पर आपका स्किन कलर ब्लैक क्यों होने लगता है? तो एक्चुअली अगर आप तेज सनलाइट में ज़्यादा देर रहते हो तो क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर के कुछ सेल्स के डीएनए डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, और आपको कैंसर होने से बचाने के लिए वो डैमेज सेल्स अपने आप को ही मार डालते हैं। और इसी वजह से हमारे स्किन पर जो डेड सेल्स दिखता है हम उसी को टेक्निकली सनबर्न कहते हैं, और यही कारण है कि धूप में रहने से हमारा स्किन अपने ओरिजिनल कलर से थोड़ा डार्क हो जाता है। गाइस, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।